चल चाट बना, गरम गरम चाट के साथ ठंडे ठंडे बियर। तो तू मुझे शराब पीने से रोकेगी? अब तो मैं शराब कहीं पीऊंगा, देखता हूँ तू कैसे रोकती है। तो मैं भी देखती हूँ कैसे पीता हूँ। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में भाई एक अलग ही ट्विस्ट आने वाला है। यहाँ पर तीर्थ एडवांस वगैरह तो दे देता है सुमन को, और हमें बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर भाई तीर्थ की सगाई पक्की हो गई है कृतिका के साथ। और कृतिका भाई अब यहाँ पर बहुत खुश भी है क्योंकि उसकी बहन ने ये सारी चीजें कराई है। हमने देखा ही था ना किस तरीके से एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, सारी चीज हो जाती है, उसको जेल भी भेजने वाले होते हैं, लेकिन भाई कृतिका के पापा आते हैं, सारी चीजें सॉल्व कर देते हैं। चल चाट बना, गरम गरम चाट के साथ ठंडे ठंडे बियर। तो तू मुझे शराब पीने से रोकेगी? अब तो मैं शराब कहीं पीऊंगा, देखता हूँ तू कैसे रोकती है। तो मैं भी देखती हूँ कैसे पीता हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ पर तीर्थ को जाना है पॉलिटिक्स में, और भाई टिकट तो वही दिला सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, और वहीं हम देख रहे हैं कि सगाई वगैरह पक्की हो गई है, और अब सगाई का जो केटरिंग का बिजनेस है वो मिल रहा है भाई सुमन को। अब सुमन ने एक नया बिजनेस अपना स्टार्ट किया है केटरिंग का, और उसको पहला काम मिला है तीर्थ के यहाँ से। अब तीर्थ और तीर्थ की माँ आते तो है, एडवांस वगैरह भी देते हैं, यहाँ पर उसको दे के चले भी जाते हैं, लेकिन अब देखते हैं भाई देविका क्या करती है, क्योंकि देविका के सामने ये सच तो आ गया है कि सुमन को केटरिंग का बिजनेस मिला है, और यहाँ पर तो वही सुमन से वो नफरत करती है, और ये तीर्थ और तीर्थ की अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन तीर्थ बहुत कॉन्फिडेंट है कि भाई कुछ भी नहीं होने वाला है, यहाँ पर सब कुछ बढ़िया होगा, और अपनी माँ को ना वो सांत्वना भी दे रहा है कि देखो आप परेशान मत हो, यहाँ पर कैटरिंग का बिजनेस तो हमने दे दिया है, और सारा कैटरिंग का खाना भी वही बनाएगी, और सब कुछ अच्छा ही जाएगा, आप देखो किस तरीके से मैं क्या करता हूँ। वही हम देख रहे हैं कि कृतिका और देविका ने मिलकर प्लान बनाया है सुमन के खिलाफ, और अब यूज कर रही है वो तीर्थ के भाई को। अब तीर्थ के भाई को किस तरीके से वो क्या करने वाली है ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भाई उसका काम पूरा तमाम करने वाली है, पूरा खराब कर देगी उसका खाना वगैरह जो है, क्योंकि यहाँ पर तीर्थ की माँ ने उसको ये बोला है कि सुमन एक काम करना, तुम ना कल आना और यहाँ पर पहले हमें खाना वगैरह टेस्ट कराना, अगर सब लोगों को पसंद आएगा तो भाई मैं तुम्हें पूरा एडवांस भी दूंगी और तुम्हें पूरा कैटरिंग का काम भी दे दूंगी, और उसके बाद तुम सगाई के साथ साथ शादी में भी भाई खाना बना सकती हो। तो देखते हैं भाई अब तीर्थ किस तरीके से संभालता है ये सारी चीजों को, क्योंकि देविका ने तो अपना प्लान चल दिया है, और यहाँ पर सुमन को तो पता ही नहीं है कि ये सारी चीजें होने वाली है। सुमन तो भाई बहुत खुश है, यहाँ पर उसको पहले अपने बिजनेस का काम मिला है, और अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है। वैसे आप मुझे बताइए आपको सुमन इंदौरी का एपिसोड कैसे लग रहा है, और आपको क्या लगता है कि भाई यहां पर तीर्थ किस तरीके से बचाएगा सुमन को।